पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पानी से बिजली किस तरह से बनती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्टरनेटर से बिजली किस तरह से बनती है, वो उसका अंदर का सिस्टम किस तरह से काम करता है। फ्रेंड कैसे आप लोग होंगे, पुरुष मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो जनरेटर होते हैं उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जिसको हम डायनामो बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। चार, ये चार फील्ड हो गई, उसके बाद जो ये है इसकी ये बॉडी हो गई सर्कल में, ये हो गई इसकी चार फील्ड। अब इसके अंदर से दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक तो जो हमारा डायोड्स वाला जनरेटर होता है और एक होता है हमारा एबीआर या फिर बूस्टर वाला जनरेटर होता है। दो तरह के नॉर्मली जनरेटर हमारे पास होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो नॉर्मल जनरेटर होता है डायोड्स वाला, जिसको हम आगरा मेट बोलते हैं, तो उसका डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, उसका अंदर का सिस्टम और कनेक्शन वगैरह किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एबीआर वाला अल्टरनेटर किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हमने चार कॉइलें बना ली है। अब इन चार फील्डों के अंदर दो तरह की बाइंडिंग होती है। पहली तो होती है प्राइमरी बाइंडिंग, ये हो गई, ये हमने यहाँ पर ग्रीन कलर में प्राइमरी बाइंडिंग बना दी है। ये इसका फर्स्ट सिरा, ये इसका फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट। अब इसका जो सेकंड होगा ये इस तरह से घूम रही है, ये लास्ट में ये आएगा इसका लास्ट वाला सिरा। अब इसका जो लास्ट वाला सिरा है वो अगले वाले लास्ट वाले में इसमें ज्वाइंट रहता है। यहाँ पर हम कनेक्शन के साथ पूरी थ्योरी के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये हमने इसका लास्ट वाला है उस वाले लास्ट वाले में चला दिया है, यानी इसका जो काम होता है एक बार राउंड इस तरह से घूमेगा और अगली फील्ड आ जाएगी तो फिर इस तरह से एक बार सर्किट क्लॉकवाइज घूमेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा था, उसके बाद हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, अब ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो सिरा हमारा ये यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। अब इसका ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके बाद ये आ गया, ये हमारा इसमें आ गया। अब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर दो लीडें हमारी ये प्राइमरी बाइंडिंग की आ चुकी है। उसके बाद इसी जनरेटर के अंदर एक बाइंडिंग और होती है। पहले ही हम प्राइमरी बाइंडिंग डाल देते हैं और उसके बाद पेपर लगा करके, सेपरेटर लगा करके सेम इसी के ऊपर एक बाइंडिंग हमारी और होती है, लेकिन उसके अंदर टंस, इसके अंदर प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर जो टंस होती हैं, प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर जो नॉर्मली टंस होती हैं वो लगभग 1100 टंस के आसपास होती हैं, और सेकेंडरी बाइंडिंग के अंदर जो टंस होती हैं वो लगभग 50 या 60 के आसपास होती हैं, क्योंकि प्राइमरी बाइंडिंग का वायर पतला होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग का वायर मोटा होता है। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी में तीन तीन टंस बनाई है, सेकेंडरी में हम एक ही बना लेते हैं। सेम इसी तरह से कनेक्शन इसके भी ऐसे ही रहेंगे, और ये हो गया हमारा, ये इस तरह से आ गई, ये यहाँ से बाइंडिंग हो रही है। हम सिर्फ सिंगल टंस दिखा रहे हैं इस वाले में, ये वाला इसका एंड इसके एंड में जुड़ जाएगा, ये कुछ इस तरह से, ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग की लीड हो गई। दो लीड हमारी ये है, दो लीड ये। तो अब ये हमारी चार फील्ड तैयार हो चुकी है। अब ये करंट किस तरह से बनाएंगी, ये यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, यानी कि ये हमारी फील्ड हो गई। अब इन फील्डों के अंदर बीच में जो सर्कल है इसके अंदर हम किसी भी कंडक्टर को घुमाएंगे तो ये करंट बनाना स्टार्ट कर देगा। जो कंडक्टर हमारा घूमने वाला है उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। तो इसका आर्मेचर हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये इसके अंदर स्लॉट्स हो गई, स्लॉट्स हम लगभग बना लेते हैं, आप बिल्कुल एग्जैक्ट ना समझें इसको। ये हमारा आर्मेचर हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर एक पुली लगी होती है जो कि हमारे किसी भी प्राइम मूवर के अंदर चली जाती है, यानी कि वो इंजन हो सकता है, टरबाइन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। इसका काम होता है, प्राइम मूवर का काम होता है इसको घुमाना। यहाँ पर कपलिंग लग जाती है, कपलिंग के थ्रू ये आर्मेचर हमारा घूमता, चाहे वो इंजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये इसका शाफ्ट का पिछला वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर ये इसका बेयरिंग आ गया और ये कुछ इस तरह से ये शाफ्ट का दूसरा हिस्सा आ गया। अब यहाँ पर अगर सिंगल फेस का है तो दो स्लिप रिंग लगी होती है, थ्री फेस का है तो चार स्लिप रिंग लगी होती है। अब इसके अंदर जो बाइंडिंग होती है उसके अंदर भी फोर पोल बाइंडिंग, यहाँ पर चार पोल हैं, चार कॉइल हैं, एक दो तीन चार, यानी कि ये फोर पोल है। 1500 RPM इसके बनेंगे, यानी कि 1440 बोल सकते हैं, मोटर के RPM 1440 होते हैं, अल्टरनेटर के RPM 1500 बोलते हैं 50 फ्रीक्वेंसी। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इसकी बाइंडिंग होगी, लेकिन इसके अंदर आर्मेचर के अंदर दो बाइंडिंग नहीं होंगी, सिंगल बाइंडिंग होंगी सिंगल फेस में, जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी है। तो इसके अंदर हमारी
एक बाइंडिंग हो जाएगी, उसका सर्किट सेम इसी तरह से बनेगा, अंदर से अंदर बाहर से बाहर। तो इसके अंदर हमारी चार कॉइलें पड़ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर इसके दो तार निकलेंगे जो कि हमारे ऊपर नहीं लगा रहे क्योंकि ऊपर हमें और कुछ और भी लगाना है। तो एक वायर हमारे यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा वायर हमारा यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो अब हमारे ये दो चीज़ें हो गई, पहला तो हमारी ये फील्ड हो गई और दूसरा हमारा ये आर्मेचर हो गया। अब हम यहाँ पर कोई भी सर्किट मॉड्यूल वगैरह अभी नहीं लगा रहे हैं। इस कंडीशन में अगर हम इसको प्राइम मूवर के थ्रू यानी कि इंजन वगैरह के थ्रू इसको घुमाएंगे पूरे RPM पे, यानी कि 1500 RPM पे जब इंजन घूमेगा तो इसके अंदर एक 12 वोल्ट का AC करंट उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम कहाँ पर घुमा रहे हैं? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर हम इसको फील्डों को हटा दें और इसको घुमाते रहें, यानी कि बाइंडिंग हटा दें इसको घुमाते रहें, तो कोई भी करंट उत्पन्न नहीं होगा, नहीं बनेगा। इसके अंदर 12 वोल्ट करंट क्यों आया? क्योंकि इसको हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हैं। अगर इसके अंदर चार फील्ड ना होकर के दो फील्ड होती तो फिर उसका सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाता, लेकिन वो करंट फिर भी बनाएगा। जैसे कि वो नॉर्मल छोटे वाले जनरेटर होते हैं, पोर्टेबल वाले, जैसे वो होंडा वगैरह के या बड़ा यामा वगैरह के, उसके अंदर दो फील्डें होती हैं रोटर के अंदर। यहाँ पर चार फील्डें हैं तो उसके एक सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पर करंट क्यों बन रहा है? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस आर्मेचर को हम घुमा रहे हैं तो इसके इंडक्शन के कारण इसके अंदर करंट बन रहा है और उस करंट को यहाँ पर इंडक्शन के थ्रू इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट AC करंट बन रहा है। अब इस AC करंट को यहाँ पर हम कार्बन होल्डर लगा करके, जो चिमटे जिसको बोलते हैं उसको हम यहाँ पर लगा करके इस AC करंट को हम यहाँ पर ले आते हैं। और यहाँ पर एक फेस रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल कौन सा रहेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल दो वायर हमने यहाँ पर इस तरह से ले लिए हैं। यहाँ पर इसके अंदर कितना करंट है? 12 वोल्ट AC करंट है। इस करंट को अगर हम हाथ से पकड़ लें तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अब ये 12 वोल्ट AC करंट को हम 220 वोल्ट या 240 वोल्ट AC किस तरह से बनाएंगे? अगर इसके अंदर सिर्फ प्राइमरी बाइंडिंग होती तब हमें यहाँ पर फिर बूस्टर या फिर ABR लगाना पड़ता, लेकिन इसके अंदर सेकेंडरी बाइंडिंग है तो लोड का सारा फंक्शन यहीं से काम करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक डायोड्स प्लेट बनानी पड़ेगी। छोटी सी हम यहाँ पर डायोड्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 डायोड का एक सर्किट बना लिया है, यानी कि एक डायोड प्लेट बना ली है। अब इसके कनेक्शन किस तरह से होंगे? यहाँ पर हमने 4 प्लस वाले नीचे कर रखे हैं, 4 प्लस वाले ऊपर कर रखे हैं। डायोड की संख्या यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकती है, यानी कि ये एक ब्रिज टाइप है। इसके अंदर आप दो डायोड या फिर 4 डायोड का ब्रिज बना सकते हैं। ब्रिज मतलब सर्किट बना सकते हैं, ब्रिज होता है ऐसे करके। लेकिन ये जो है हमने 4 प्लस एक जगह मिला करके लपेट दिया, दूसरा सिरा मिला करके लपेट दिया। तो इसको हम कुछ इस तरह से, ये हमारा इधर से बन जाएगा और ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा प्लस हो गया डायवर्ट का, ये हमारा डायवर्ट का माइनस हो गया। अब उसके बाद इसका जो दूसरा सिरा होता है ये वाला, इसमें बीच के 4 डायवर्ट्स को ले लेंगे। अगर 8 डायवर्ट का है तो बीच के 4 ले लेंगे, अगर 6 का है तो बीच के 3 ले लेंगे। जैसे कि 8 का है तो हमने 2 इधर छोड़ दिए, 2 उधर छोड़ दिए, 2 ये ले लिए इस साइड के प्लस माइनस वाले, 2 प्लस वाले ले लिए इस तरह से। उसके बाद इसका जो दूसरा वाला है इसको कुछ इस तरह से, ये हमने यहाँ पर इस तरह से सर्किट बना दिया है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे? जैसे कि हम देखते हैं कि जनरेटर के ऊपर 4 डायोड्स लगे होते हैं करंट वाले, जो बार बार उड़ जाते हैं कोई दिक्कत की वजह से, तो उसको हम चेंज कर देते हैं तो करंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये वाले डायोड्स ना लगाएं तब भी अल्टरनेटर करंट देगा। क्यों? क्योंकि इस ये डायोड का जो काम होता है, जो हमारा लोड का सिस्टम रहता है उसको हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके ये हमारा लोड पर वोल्टेज नहीं दबता है। और ABR बूस्टर में होता है तो फिर बूस्टर के थ्रू या ABR के थ्रू लोड चलता है, लेकिन यहाँ पर इस डायोड प्लेट के थ्रू ही हमारा लोड चलेगा। अगर हम 4 डायोड्स लगाते तो जनरेटर करंट तो देगा, लेकिन जैसे ही हम उस पर लोड डालेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे कि अगर 2-3 बल्ब जलाएंगे तो वोल्टेज सही रहेंगे, बल्ब जलता रहेगा। जैसे ही लोड डालेंगे 1-2 kW तो वोल्टेज गायब हो जाएंगे। तो अब हम इसका कनेक्शन यहाँ पर किस तरह से करेंगे? और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमने इसकी प्राइमरी बाइंडिंग यानी ग्रीन वाली जो बाइंडिंग बनाती है वो करंट बनाने के काम में आती है, और जो हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है रेड वाली, जो हमने मोटी वाली बाइंडिंग करते हैं, वो हमारा लोड लेने के काम में आती है। तो इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो सर्किट बना रखा है इसके अंदर हम ये सेकेंडरी बाइंडिंग का सिरा एक लेकर के आएंगे
और इसमें हम किसी भी पॉइंट में इसमें लगा दें, इसमें लगा दें, सब एक ही है यहाँ पर जॉइंट है। यहाँ पर हमने सेकेंडरी बाइंडिंग का एक सिरा लगा दिया है। अब उसका दूसरा सिरा, अब यहाँ पर दो सिरे हमने रेड वाले एक जैसे लगा दिए, तो इसको हम प्लस मान लेते हैं और दूसरे रेड वाले को हम माइनस मान लेते हैं। यही हमारा प्राइमरी बाइंडिंग के साथ भी रहेगा। एक तरफ के प्लस हो जाएंगे तो बीच का यहाँ पर बीच में गैप है, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए। तो अब सेकेंडरी बाइंडिंग का जो दूसरा वाला सिरा है ये वाला, इसको हम ब्लैक मान लेते हैं यानी नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा और इसको हम किसी भी तीन चारों में से एक जगह लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी बाइंडिंग के कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इस सेकेंडरी बाइंडिंग के करंट को और आर्मेचर के करंट को कन्फिगर किस तरह से करेंगे, आपस में मिलाएंगे किस तरह से, ताकि हमारा लोड पर दबे ना। क्योंकि लोड का जो काम होता है वो आर्मेचर का होता है, करंट का काम होता है प्राइमरी फील्डों का, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी फील्डों का है, सेकेंडरी फील्ड भी है। तो इस सेकेंडरी फील्डों को हम आर्मेचर के थ्रू करंट लेकर के जाएंगे, यानी सेकेंडरी फील्ड है आर्मेचर के करंट को सीरीज में लेकर के जाएंगी, यानी कि जो आर्मेचर का करंट हमें बाहर को मिल रहा है 12 वोल्ट, उसको हम सीरीज में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों तारों में से कोई भी तार ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाला तार ले लेते हैं, इसको हम इस तरह से, चाहे तो हम इस वाले सर्किट में लगा सकते हैं, चाहे तो हम अंदर वाले में लगा सकते हैं। दो सर्किट है जैसे कि हमने देखा, दो ये मिला करके यहाँ पर दो मिला दिए, तो एक सर्किट तो ये हो गया हमारा, दूसरा अंदर वाला, तो अंदर वाले में लगा सकते हैं, बाहर वाले में लगा सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर ये करंट तो दे दिया है इसके अंदर, अब दूसरा वाला वायर, इस वाले वायर को हम येलो कलर से दर्शाते हैं, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हमने रेड लगा दिया। अब यहाँ पर इसके अंदर करंट चला गया, इसके अंदर करंट घूम घाम करके वापस कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे इस वाले में से, ठीक है। अब ये वाला जो करंट है हमारा कहाँ आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, और एक वायर जो है हमारा वो डायरेक्ट आर्मेचर से आ ही रहा है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो डायरेक्ट आएगा ये हमारा एन बनेगा यानी कि न्यूट्रल, और जो डायोड प्लेट के थ्रू सर्किट में होकर के आएगा वो हमारा फेस बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से न्यूट्रल फेस बनते हैं। न्यूट्रल जो होगा वो डायरेक्ट आर्मेचर से जो आ रहा है ये न्यूट्रल बनेगा, और जो फेस रहेगा हमेशा वो डायोड प्लेट के थ्रू जो आएगा वो फेस रहेगा। अब यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो भी 12 वोल्ट ही आ रहा है, लेकिन अब इस करंट पर, इस वोल्टेज पर हम अगर लोड डालेंगे 240 वोल्ट बना करके, तो यहाँ पर लोड पर ये वोल्टेज दबेंगे नहीं, क्योंकि इस करंट को हमने सीरीज के थ्रू लेकर के आए हैं, आपस में ये करंट मर्ज होने के बाद ये लोड पर दबने वाला नहीं है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर कुल मिलाकर 12 वोल्ट एसी ही मिले हैं, 12 वोल्ट एसी यहाँ से, जैसे कि हमें ये 12 वोल्ट एसी मिल रहे थे, वो 12 वोल्ट हमें यहाँ पर मिले। सिर्फ हमने जो इसकी सेकेंडरी फील्ड थी उनको हमने क्या करा है, ये आप देख सकते हैं, सीरीज में लेकर के यहाँ को आए हैं ये डायोड लाइट के थ्रू। सेकेंडरी फील्डों के दोनों वायर हमने यहाँ पर प्लस माइनस में लगा दिए। अब यहाँ पर मैं अभी और चीज़ बताऊँगा, अगर करंट नहीं लेता है, लोड नहीं लेता है। फिलहाल यहाँ पर हमारे दो वायर आ चुके हैं फेस और न्यूट्रल के, और अभी दो वायर हमारे और बच्चे हैं। एक हमारा है प्राइमरी बाइंडिंग का माइनस वाला सिरा, और एक है हमारा प्राइमरी बाइंडिंग का प्लस वाला सिरा। अब इसके यहाँ पर करंट हम अभी, अगर हम इसको प्राइमरी बाइंडिंग के वायर को नहीं जोड़ेंगे और आर्मेचर के वोल्टेज चेक करेंगे, चाहे तो हम यहाँ डायरेक्ट चेक करें या फिर यहाँ पर चेक करें, तो हमें ये 12 वोल्ट डीसी ही दिखाया। 12 वोल्ट भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कम से कम मिनिमम जो है वो 8 वोल्ट रहेंगे। 8 वोल्ट से नीचे रहेगा तो फिर वो करंट बहुत मुश्किल से देगा, कभी देगा कभी नहीं देगा, और मैक्सिमम लगभग 13 वोल्ट हो सकते हैं, 13.45, मैक्सिमम 14 वोल्ट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, 13.5 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट नॉर्मली रहते हैं, 10-12। तो फिलहाल जब प्राइमरी बाइंडिंग के हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे, ये एक पॉइंट हमने तो कुछ इस तरह से, हमारी एक ऊपर कनेक्शन प्लेट लगी होती है जिसके अंदर 6 खूंटी होती है, 6 पोल होते हैं, 6 बोल्ट होते हैं। तो इसमें हम कनेक्शन किस तरह से करते हैं, सेम जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप उसी तरह से किसी भी अल्टरनेटर के, सिंगल फेज अल्टरनेटर के कनेक्शन इसी तरह से करेंगे, कोई इशू आपको नहीं आने वाला। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब हम कहाँ पर हैं, ये हमारे सेकेंडरी बाइंडिंग के कनेक्शन यहाँ पर हो गए, आर्मेचर के कनेक्शन सीरीज में होकर के यहाँ पर आ चुके हैं, ये आर्मेचर के हो, ये प्राइमरी फील्डों के। अब प्राइमरी फील्डों का जो माइनस वाला सिरा है, इसको हम किसी भी पोल के एक खूंटी में ले जाएंगे, लेकिन अब जो इसका प्लस वाला सिरा है उसको हम इसके अपोजिट क्रॉस में लेकर के जाएंगे, जैसे कि ये हमारा प्लस वाला सिरा है, तो इसको हम
यहाँ पर प्लस में लेके जाएंगे। प्राइमरी फील्डों के जो वायर रहेंगे वो आमने सामने क्रॉस में रहेंगे, जैसे कि हमने ये क्रॉस में लगाए हैं। और सेम इसी तरह से आर्मेचर के दो वायर आए हैं, ये वाले 12 वोल्ट जिसके अंदर करंट है, यहाँ पर ये पीले कलर से येलो कलर से इसको हम दर्शाते हैं। येलो कलर हमारे पास नहीं है, फिलहाल हम नीले कलर का वायर ले रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लेकर के आएंगे। और इसका जो दूसरा वायर, अब यहाँ पर फेस माइनस कुछ नहीं रहेगा, जब हमारा सर्किट बन जाएगा तब जा करके आएगा, फिलहाल फेस तो हमारा यही रहने वाला है। तो इस वाले वायर को हम इसके क्रॉस में, ये दो वायर आमने सामने क्रॉस में रहेंगे और फील्डों के वायर आमने सामने क्रॉस में रहेंगे, कुछ इस तरह से ये क्रॉस में हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर तो जैसे कि मैं पहले बोला था, इसको अगर हम चेक करें तो 12 वोल्ट यहाँ पर एसी करंट दिखाएगा। एसी की जो मल्टीमीटर की सुई है उसको हम सेट करेंगे मिनिमम पर, जैसे कि 10 या 12 पे, 10 पर या फिर 20 पे, किसी में मल्टीमीटर का हिसाब होता है, किसी में 10 होते हैं, किसी में 20, 50 उसमें सेट करेंगे, या फिर अगर आपका डिजिटल है तो वहाँ पर मिनिमम जितने नंबर है 10 से ऊपर होने चाहिए उसमें आप सेट करेंगे। जब यहाँ पर हम चेक करेंगे, ये जो हमारे आर्मेचर का जो कनेक्शन आए हैं यहाँ पर, हमें अगर यहाँ पर 10-12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर ये आर्मेचर अल्टरनेटर करंट नहीं देगा। अगर यहाँ पर 10-12 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आर्मेचर हमारा सही है और फिर फील्डों वगैरह में ये कहीं और प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सब कुछ चेक कर लिया है तो आप ये जरूर चेक कर लें, सबसे पहले चीज़ यही चेक करेंगे अगर अल्टरनेटर करंट नहीं बना रहा, कि हमारे यहाँ पर जो है ये जो आर्मेचर के वायर आए हैं इसको एसी में सेट करके इसमें देखेंगे 8-10 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर 8 से नीचे आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल ये करंट दे पाएगा। फिलहाल यहाँ पर अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक सर्किट लगाना है ब्रिज बना करके, उसके बाद ये हमें 12 वोल्ट के 220 वोल्ट बना करके देगा। वो किस तरह से देगा, अगर यहाँ पर हम ब्रिज यानी सर्किट रेक्टिफायर ना बनाए तब भी ये हमें करंट देगा, क्योंकि इस ये जो हमारी प्राइमरी फील्ड है इनका काम होता है 12 वोल्ट एसी करंट लेकर के अंदर इसके करंट को इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर जो करंट बन रहा है 12 वोल्ट इसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना। अगर हम यहाँ पर सर्किट डायोड जो 4 डायोड लगे होते हैं उसको ऊपर ना लगा करके तब भी हम यहाँ पर 220 वोल्ट करंट ले सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक 12 वोल्ट की बैटरी लेंगे, उसके दो वायर, एक वायर हम यहाँ पर लगा देंगे और 12 वोल्ट का बैटरी का दूसरा वाला वायर हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस माइनस पे। यहाँ पर बैटरी का प्लस माइनस उल्टा लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी फील्डों को हम अलग से बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से करंट दे रहे हैं और यहाँ पर ये चार्ज होने के बाद यानी कि इस करंट को जो बन रहा है 12 वोल्ट इसको इंडक्शन के थ्रू, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इस करंट को यहाँ पर ये 12 वोल्ट को 220 वोल्ट एसी बना करके यहाँ पर इसके अंदर मर्ज करने के बाद ये करंट दे देगा। अगर हम इसको ना भी लगाएं तो भी करंट देगा, लेकिन लोड पर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, यानी कि लोड नहीं लेगा। यानी कि इन फील्डों का काम ये है इसके अंदर 12 वोल्ट करंट आना है। तो 12 वोल्ट करंट कहाँ से आएगा, ये हमारा जो एसी का करंट 12 वोल्ट है इस करंट को हम सर्किट रेक्टिफायर के थ्रू यानी चार ब्रिज बना करके यहाँ पर, उसके बाद इसके अंदर से जो करंट आने वाला है, ये जो करंट आने वाला है 12 वोल्ट वो यहाँ पर ब्रिज बना करके फिर इसके अंदर जाने वाला है प्राइमरी फील्डों के अंदर। प्राइमरी फील्डों के अंदर यहाँ पर जो आर्मेचर मूव करेगा तो इसके अंदर इंडक्शन बनेगा, इंडक्शन के थ्रू वो करंट जो है आर्मेचर में, आर्मेचर के अंदर जो 12 वोल्ट बन रहे हैं उन 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। यही इसका सिद्धांत है, ज़्यादा कुछ झमेला है नहीं। चाहे तो यहाँ पर हम डायवोल्ट रेक्टिफायर ब्रिज बना दें या फिर हम अलग से 12 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तब भी करंट देता रहेगा, और बैटरी से जितनी देर चलाएं आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर फटाफट हम यहाँ पर डायवोल्ट ब्रिज बना दे रहे हैं, ये इसमें कनेक्ट हो गया, ये इसमें कनेक्ट हो गया। यहाँ पर 4 डायोड्स लगते हैं जैसे कि हम देखते हैं हमेशा, ये यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया, ये यहाँ पर 4 डायोड्स लग गए। ठीक है, अब इसका प्लस सिरा किधर रखेंगे, माइनस सिरा किधर रखेंगे, अब जो हमारे फील्डों के वायर हैं उनके तरफ या तो दो प्लस वाले सिरे रहेंगे, जैसे कि हम इस वाले सिरे के अंदर दो प्लस बना देते हैं यहाँ पर। अब जब यहाँ पर दो प्लस लगा दिए हैं यहाँ पर दो माइनस आएंगे, तो ये यहाँ पर दो प्लस हो गए, दो माइनस यहाँ पर हो गए। चाहे तो ये वाला अगर करंट नहीं दे रहा तो फिर ये वाला डायोड हम पलट के उधर कर देंगे, यहाँ पर दो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर दो माइनस हो जाएंगे। अब ये जो हमारे आर्मेचर से वायर आए थे दो, यहाँ पर एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस माइनस हमने दो प्लस यहाँ बना दिए, यहाँ पर माइनस बना दिए तो फिर ये करंट नहीं देगा, डायोड उड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर फील्डों में हमें
दो प्लस बना देते हैं। अगर आपको पता नहीं है कौन सा वाला प्लस है कौन सा वाला माइनस है तो कोई इशू नहीं है, आप पतली वाली जो यहाँ पर आप देखेंगे दो वायर मोटी होंगी, ये दो वायर हमेशा मोटी रहेंगी, दो वायर ये पतली रहेगी। पतली वाली जो दो वायर है इसमें आप डायोड के दो प्लस वाले सिरे लगाते चाहे इधर लगाते चाहे उधर लगाते, अगर करंट नहीं दे रहा तो हम डायोड को पलट सकते हैं करंट आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये करंट बन चुका है जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ये हमारा आर्मेचर से 12 वोल्ट करंट आएगा इन डायोड्स के थ्रू, फिर इस प्राइमरी फील्डों में चला जाएगा। इसको ये इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर ये 12 वोल्ट को 224 वोल्ट बनाएगा और फिर यहाँ पर ये सीरीज में सेकेंडरी फील्डों के थ्रू यहाँ पर ये आ जाएगा और यही सिस्टम चलता रहेगा। ये बहुत ही माइक्रो सेकंड में होता है, एक सेकंड में लाखों बार ये जो है करंट अप डाउन होता है, इसी तरह से ये पूरा सर्कल चलता रहता है। अब यहाँ पर हमें सप्लाई कहाँ से मिलती है, जो हमारा आर्मेचर से डायोड के थ्रू आया है रेड वाला, ये हमारा हमेशा फेस रहेगा, और जो हमारा आर्मेचर से डायरेक्ट आया है बिना किसी कनेक्शन के बीच में, ये यहाँ से हम लेकर के इस वाले पोल पे लगा देंगे, ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और ये हमारा फेस हो जाएगा। ये हमारे दोनों वायर आउटपुट के हो गए, यानी इसमें हम बल्ब जला सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और रहती, पहले तो करंट नहीं देता, तो मैंने बताया कि यहाँ से डायोड चेंज कर देंगे, फील्डों के जो वायर है इधर का सिरा इधर कर देंगे, उधर का सिरा इधर कर देंगे, और अगर करंट दे रहा है जैसे, लेकिन जैसे ही लोड डाल रहे हैं तो लोड में वोल्टेज गायब हो जा रहा है, तब हमें क्या करना होगा, सेम इसी तरह से जो हमारी सेकेंडरी फील्डों के वायर हैं ये वाला और ये वाला, इसको खोल करके हम यहाँ लगा देंगे और इसको खोल करके हम यहाँ लगा देंगे, यानी सेकेंडरी फील्डों को वायर एक्सचेंज कर देंगे। लोड नहीं ले रहा है तो और करंट नहीं बना रहा है तो ये वाले प्राइमरी फील्डों के वायर एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ पर प्लस माइनस का पता नहीं लग पाता है। वैसे इसका प्लस माइनस फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के थ्रू होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और किसी के समझ में नहीं आता। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा कोई इशू है नहीं, इन वायर को हम प्राइमरी वाइंडिंग को एक्सचेंज कर देंगे, करंट नहीं दे रहा था सेकेंडरी को एक्सचेंज करेंगे, लोड नहीं ले रहा है। तो इस सिद्धांत के थ्रू इस तरीके से ही हमारा जनरेटर करंट देता है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें रखनी होती है 50 फ्रीक्वेंसी लोड पर, और अनलोड पर जो है हमारी 52 फ्रीक्वेंसी रहेगी अनलोड पर, क्योंकि जब लोड पड़ता है तो आरपीएम टूटते हैं, उसके बाद हमारी करंट फ्रीक्वेंसी लोड पर 50 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और वोल्टेज जो है वो एक्चुअल एकदम और सही वोल्टेज जो होते हैं वो 230 वोल्टेज होते हैं। मिनिमम वोल्टेज 220 रहेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज 230 रहेंगे, 230 से 240 भी चल सकते हैं, लेकिन 240 पर रिस्क रहता है, तो हमारे वोल्टेज 220 और 230 के वोल्टेज बीच में होने चाहिए वोल्टेज। तो कुछ इस तरह से हमारा सिंगल फेज का आगरा में डायोड वाला जनरेटर काम करता है। सिंपल सा सिद्धांत ये है कि जो हमारी प्राइमरी फील्ड है उनको आर्मेचर करंट बनाता है। आर्मेचर करंट जब भी बनाता है जब हमें किसी चुंबक के क्षेत्र में, अपने किताब में पढ़ा होगा देखा होगा, इस चुंबक के क्षेत्र में हम अगर कोई कॉइल घुमा रख करके घुमाएंगे तो उसके अंदर इंडक्शन बनता है, मैग्नेट बनता है, उस मैग्नेट को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं और उस मैग्नेट को हम फिर ये प्राइमरी फील्डों के थ्रू यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं। ये डीसी करंट जाता है इसके अंदर, डीसी करंट हमारा यहाँ पर ये जो है फिर 12 वोल्ट को एसी करंट देता है। तो इसी तरह से ये सर्कल बनता रहता है, एक बार इसके अंदर 12 वोल्ट आता है उसके बाद फिर इसके अंदर 220 वोल्ट डीसी करंट जाता रहता है। ये सर्कल इसी तरह से बनता है, 12 वोल्ट यहाँ पर पहले आपका अगर सोचें कि ये 12 वोल्ट जा रहा है, फिर यहाँ पर जब करंट बन गया तो 220 वोल्ट हो गया, तो यहाँ से 12 से 240 वोल्ट तक ये करंट इसके अंदर जाता रहता है, इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है, कोई इशू इसमें नहीं है। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहें, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।